जय हिंद स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है, ADNAS, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, वो वाला पूरा का पूरा टॉपिक हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। आज के सेशन में हम लोग सीखेंगे कि एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है, इसके डायग्राम्स अलग अलग कैसे करके ड्रॉ किए जाते हैं, कंजम्पशन फंक्शन, एक्सेस डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विच इज कवर्ड इन योर क्लास 12th एग्जामिनेशन विल बी कवर्ड इन टुडेज सेशन। दिस इज अ रिविजन सेशन, ये अपनी एक रिविजन क्लास है। एज सेड बाय मी अर्लियर ऑल्सो, हम लोग हर एक चैप्टर का एक रिविजन सेशन अपने पास में रखेंगे। ये रिविजन सेशन आपको एग्जामिनेशन के टाइम पे हेल्प करेगा। तो अगर आपको एग्जामिनेशन से पहले कुछ रिवाइज करना है तो आपको अलग अलग पूरे के पूरे क्लासेस, अगर इनकेस उतना टाइम नहीं है कि आप पूरे एग्जॉस्टिव क्लासेस को रिवाइज कर सके, तो आप ये 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर अगर रिवाइज कर लेते हैं तो फिर आपका पूरा का पूरा चैप्टर एकदम रिकैप हो जाएगा। क्लियर है आपको ये बात? तो ये रिविजन सेशन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो कि अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को अपियर कर रहे हैं। इसमें ऑलमोस्ट अपने हर एक टॉपिक को हम लोग रिकैप करेंगे। आप लोग मेरे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, कुछ ऑफलाइन लाइव हैं, कुछ ऑनलाइन लाइव हैं, जो लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं अगर वो भी हमसे अपने कुछ डाउट्स पूछना चाहें तो फिर हमारे चैट सेक्शन के थ्रू वो भी डाउट्स पूछ सकते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई के चैप्टर के अंदर में, एंड एज अनाउंस बाय मी अर्लियर, हम बीच में आपको एक 5 मिनट का ब्रेक देंगे। जब अपना हाफ वे कवर हो जाएगा पूरा का पूरा सेशन, फिर बीच में एक 5 मिनट्स का ब्रेक होगा। सो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई में सबसे पहले एग्रीगेट डिमांड का मतलब क्या होता है? इट रिफर्स टू द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। तो हमारी इकोनॉमी में जितना भी फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है उसकी मॉनेटरी वैल्यू अगर कैलकुलेट किया जाए, दैट विल बी कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। सर वही चीज तो जीडीपी भी होता है। GDP is also same, the value of goods and services which are produced. Aggregate demand में कहा जाता है, it is the final value of goods and services that people are willing to demand. अब demand जैसे हम लोगों ने पढ़ा होगा कि at a particular price निकाला जाता है, वैसे ही aggregate demand is calculated for a particular level of income for a given period of time. तो once again, what is aggregate demand? जितने वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब समझ गए, इंटरमीडिएट वाले नहीं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होंगे जिसकी डिमांड की जाएगी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। तो दिस इज कॉल्ड एज एग्रीगेट डिमांड। प्लीज स्पीक अलोंग विथ मी, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड? इट रिफर्स टू टोटल मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, मतलब इंडिया में जितना प्रोडक्शन हो रहा है हम उसका लेते हैं। दैट पीपल आर विलिंग टू डिमांड इन एन इकोनॉमी फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, वंस अगेन कम ऑन एवरीबडी, हम लोगों को साथ साथ में याद भी करना है, इट इज द टोटल मॉनिटरी वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच आर प्रोड्यूस्ड domestically that people are willing to demand, demand nahi kar rahe, willing to demand in an economy for a given period of time at a particular level of income. ठीक है, जो लोग live देख रहे हैं वो लोग भी साथ साथ में बोलते रहना, भले ही घर वाले तुमको पागल समझे। ठीक है, वो लोग तो कहेंगे ही, लेकिन कहने देना। फिर इसके बाद एग्रीगेट डिमांड के क्या कंपोनेंट्स होते हैं? तो एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट्स होते हैं। एडी इज इक्वल टू कहा जाता है CIGX-M, इट इज CIGX-M। सी का मतलब होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, आई का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी का मतलब होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और एक्स माइनस एम इज नेट एक्सपोर्ट्स। हम लोग यूजुअली एक 4-सेक्टर इकोनॉमी अगर लें, 4-सेक्टर इकोनॉमी का मतलब हुआ जहां पे आपके 4 सेक्टर्स होते हैं। कौन से 4 सेक्टर्स होते हैं? एक हो गया फर्म, हाउसहोल्ड, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हम लोग कहते हैं कि इट इज CIGX-M। लेकिन
अगर हम लोग इसको शुरुआत से देखें कि हमारी इकोनॉमी में कितने कितने सेक्टर्स हो सकते हैं, तो हमारी इकोनॉमी में दो सेक्टर्स हो सकते हैं। दो सेक्टर्स का मतलब सिर्फ दो सेक्टर्स होंगे, एक होगा हाउसहोल्ड और एक होगा फर्म। हाउसहोल्ड वो हो गया जो कि आपको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और फर्म्स वो हो गए जो कि उन फैक्टर सर्विसेज का इस्तेमाल करके आपको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। तो हाउसहोल्ड और फर्म अगर हम लोग बस खाली ले रहे हैं, तो हम लोग कहते हैं हम एक टू सेक्टर इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। और अगर एक टू सेक्टर इकोनॉमी की बात करते तो हमारे एग्रीगेट डिमांड में सिर्फ दो कंपोनेंट्स आते, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कि हाउसहोल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर जो कि फर्म्स करते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हाउसहोल्ड करता है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर फर्म्स करते हैं। अच्छा सर, थ्री सेक्टर इकोनॉमी के अंदर में तीन सेक्टर्स आ जाते हैं। एक आता फर्म, दूसरा हाउसहोल्ड और तीसरा गवर्नमेंट। तो फर्म, हाउसहोल्ड और गवर्नमेंट, फर्म और हाउसहोल्ड के बीच में तो क्या होता है, वही हाउसहोल्ड फैक्टर सर्विसेज देता है, उसी का इस्तेमाल करके फर्म गुड्स एंड सर्विसेज देता है। गवर्नमेंट के साथ में अपना क्या चलता रहता है, गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देता है, हमसे टैक्सेस लेता है, वैसे ही फर्म को सब्सिडी देता है, टैक्सेस कलेक्ट करेगा, गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करता है। तो इस तरीके से इनके बीच में भी ट्रांजेक्शन चलते हैं। तो गवर्नमेंट जो भी खर्चा करता है हम लोग उसे जी में इंक्लूड करते हैं, यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम एक फोर सेक्टर इकोनॉमी लेते हैं, तो हम कहते हैं हमारी इकोनॉमी के बाहर भी जो ट्रांजेक्शंस होते हैं दे आर विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ट्रांजेक्शंस होते हैं, तो हम लोग इसको कहते हैं एडी इज इक्वल टू सी आई जी एक्स माइनस एम। हम एक्सपोर्ट्स को एड कर देते हैं, एक्सपोर्ट्स को एड कर देते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सपोर्ट्स वर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, दे आर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली। इंपोर्ट्स को माइनस कर देते हैं, क्यों, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया। और हम लोग एग्रीगेट डिमांड में केवल उन्हीं गुड्स को लेते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, जो इंडिया के अंदर में प्रोड्यूस हुए हम उनको लेते हैं। इंटरपोर्ट, आई थिंक आप पूछना चाहते हो, इंटरपोर्ट जो कि एक कंट्री से होते हुए दूसरे में चला जाता है, तो वो तो हमारे एग्रीगेट डिमांड का हिस्सा हुआ ही नहीं, तो हमारे यहां पर बना ना तो हमारे यहां पर बिका, वो तो बस हम एक एज अ चैनल का काम करते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो उसमें अगर हमारी कुछ सर्विसेज हमने बीच में रेंडर की हैं, तो वो सर्विसेज की वैल्यू एड होगी, इंटरपोर्ट आप जो कहना चाहते। तो एग्रीगेट डिमांड हैज गॉट फोर कंपोनेंट्स, कम ऑन, क्या क्या, सी आई जी एक्स माइनस एम। सी का मतलब क्या, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर परचेस्ड बाय हाउस होल्ड सेक्टर। आई का मतलब क्या, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसमें क्या आ जाएगा, कैपिटल गुड्स एंड चेंज इन स्टॉक बाय फर्म्स। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में दो चीजें आती हैं, जो कैपिटल गुड्स खरीदे जाते हैं, प्लांट एंड मशीनरी वगैरह, और जितना भी चेंज इन स्टॉक होता है उसे जोड़ करके हम लोग कहते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। जी का मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का किया गया कोई सा भी एक्सपेंडिचर, चाहे वो कैपिटल गुड्स पे हो चाहे कंज्यूमर गुड्स पे हो। और नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स को क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि दे आर प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। इंपोर्ट्स को माइनस क्यों करते हैं, बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड आउटसाइड इंडिया। कम ऑन एवरीबडी, वॉज दिस क्लियर, यहां तक की बातें क्लियर थी, एवरीबडी इन द लाइव चैट क्विकली टाइप यस, फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं। गुड, एग्रीगेट डिमांड के होते हैं दो हिस्से, एक होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एक हो गया इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। सर हमने तो चार पढ़े थे, हम लोग अपने सिलेबस में ये अजम्पशन लेकर के चलते हैं कि वी आर इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी, तो हम लोग केवल दो चीजें लेंगे, सी और आई। अब जब हम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करते हैं, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, हम पहले सी को ब्रेक डाउन करेंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में अपनी डिस्कशन होगी। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के होते हैं दो हिस्से, एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन। तो जब हम कहते हैं एडी इक्वल टू सी प्लस आई, हमारी डिस्कशन अभी हो रही है सी के बारे में। सी माने होता है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के हैं दो हिस्से, एक है आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन और दूसरा है आपका इंड्यूस्ड कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है
जो कि डिपेंड नहीं करता है, ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट है. ऑटोनोमस कंजम्पशन डज नॉट डिपेंड अपॉन लेवल ऑफ इनकम. यानी आपकी इनकम लेवल कम हो या ज्यादा, ये उतना ही इनकर होगा. वाई का मतलब हो गया इनकम. और एक होता है इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब कि जितनी ज्यादा इनकम होगी उतना ज्यादा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा, और जितनी कम इनकम होगी उतना कम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा. इसे हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और कितनी भी इनकम हो उतना ही खर्चा होगा, इसे कहते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को हम लोग सी बार से डिनोट करते हैं. और इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो कि डिपेंड करता है ऑन लेवल ऑफ इनकम, डिपेंड्स ऑन लेवल ऑफ इनकम, इसको हम लोग डिनोट करते हैं बी वाई से. वापस से ऑटोनोमस किससे? सी बार से. और इंड्यूस्ड किससे? बी वाई से. तो हमारे सी के हो जाते हैं दो हिस्से. इट इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. ठीक है. अगर हम इसको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें तो हमारे डायग्राम के अंदर में, अच्छा आपने नोट्स तो पूरे ऑलरेडी लिख रखे हैं, अपने ऑलरेडी एग्जॉस्टिव क्लासेस में नोट्स वगैरह तो लिख रखे हैं, तो फिर हम लोगों को नोट्स दोबारा लिखने की जरूरत नहीं. तो C इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. अब C बार क्या होता है? इट इज ऑटोनोमस. तो अगर इसका डायग्राम हमको बनाना हो, अच्छा हम फिर भी आपसे सजेस्ट करेंगे आप डायग्राम्स मेरे साथ साथ में बनाना, ताकि डायग्राम्स आपको एक जगह पे सारे के सारे कलेक्टिवली हो जाएं. और अगर आप इसको रिकॉर्डेड देख रहे हैं, आपने एग्जॉस्टिव लेक्चर्स नहीं देखे, तो फिर आप पॉज कर करके भी कुछ चीजों को लिख सकते हैं. तो ये होता है आपका सी बार का डायग्राम. आप देख सकते हैं इनकम चाहे जितनी भी हो, ये कंजम्पशन पे कोई बदलाव आया क्या? नहीं. फिर एक बनाते हैं हम लोग बी वाई. ये हो गया अपना बी वाई. बी वाई क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि इनकम बढ़ने से साथ साथ में हमारा कंजम्पशन भी बढ़ते जा रहा है. दिस इज कॉल्ड एज क्या? इंड्यूस्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और दिस इज कॉल्ड एज क्या? ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. और जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमको मिल जाएगा टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. उसका कर्व भी कुछ इस तरीके से बनता है. ये हो गया C इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई. तो यहां पे हमने तीन चीजें बनाई हैं, एक C बनाया है, एक बी वाई बनाया है और एक सी बार बनाया है. ये हो गया आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस. ठीक है. जी नहीं, इसका 45 डिग्री पे होना कोई कंपलसरी नहीं है. वो इनकम की लाइन हम लोग बनाते हैं तो वो 45 डिग्री पे बनाते हैं. ठीक है. अब समझो ये दोनों लाइनें आपस में हमेशा पैरेलल होंगी. इसके पीछे क्या रीजन है हम लोग न्यूमेरिकली देखते हैं. अगर हम आपसे कहें कि C इज इक्वल टू 80 प्लस 0.7y, व्हाट डज दिस मीन? दिस सिंपली मीन्स कि हमारा 80 क्या है? C बार है. दिस इज ऑटोनोमस. और ये क्या है? बी वाई है, इंड्यूस्ड कंजम्पशन. जैसे जैसे इनकम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन बढ़ता जाएगा. तो से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि आपकी इनकम जीरो है, तो बताइए आपका ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना लगेगा? 80. लेकिन जो इंड्यूस्ड कंजम्पशन है बी वाई, यहां पे B की वैल्यू हो गई 0.7 और Y कितना है अब हमने यहां पे बताया? 0. तो बताओ 0.7 इंटू 0 कितना हो जाएगा? 0. और C इक्वल टू C बार प्लस बी वाई. अब ये कितना हो जाएगा? 80 प्लस 0 इक्वल टू 80. अगर हम कहें कि 100 की इनकम हो गई तो भी C बार कितना रहेगा? 80. लेकिन अब बी वाई कितना हो जाएगा? 100 इंटू 0.7 70. अब बताइए हमारी टोटल कंजम्पशन कितनी? 80 प्लस 70 150. अगर हम कहें 200 की इनकम हो गई, तो
तो भी ये 80 रहेगा, लेकिन अब हमारा इंड्यूस्ड कंजम्पशन 200 × 0.7 140 हो जाएगा, तो हमारा टोटल कंजम्पशन 220 हो जाएगा। सिमिलरली अगर इनकम 300 की हो जाए तो भी ये 80 रहेगा, लेकिन ये बढ़ करके 210 हो जाएगा और हमारा टोटल कंजम्पशन 290 का हो जाएगा। यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इंड्यूस्ड कंजम्पशन अगर 70 से बढ़ा तो टोटल कंजम्पशन भी 70 से बढ़ा, अगर इंड्यूस्ड कंजम्पशन 70 से फिर से बढ़ा अगेन ये 70 से बढ़ा। इसका मतलब इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है या इन दोनों का जो इंक्रीज है वो हमेशा सेम रहेगा। देखो इन दोनों के बीच में यहां पे कितने का अंतर है, 80 का, यहां पे कितने का अंतर है, 80 का, यहां पे 220 माइनस 140 कितने का अंतर है, 80 का, और यहां पे भी कितने का अंतर है, 80 का। सो 80 का अंतर सब जगह पर है। इसका मतलब कि इन दोनों के बीच में यहां पर भी जो अंतर होगा वो कितने का होगा, 80 का होगा, और इट विल रिमेन कॉन्स्टेंट। ये जो गैप है इन दोनों के बीच का, दिस विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट। तो दिस इज द डायग्राम फॉर सी, सी बार बी वाई। क्या ये डायग्राम आपको क्लियर है, एवरीबडी प्लीज कंफर्म, क्या ये डायग्राम आपको क्लियर है? चलो नेक्स्ट। तो हमने आपको सिखाया ऑटोनोमस और इंड्यूस्ड का मतलब, लेकिन देखो जब हम लोग लिखते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन, अच्छा यहां तक की जो डिस्कशन हुई थी वो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में किया था। अब जब हम लोग कहते हैं इंड्यूस्ड कंजम्पशन का मतलब, तो इसका मतलब क्या होता है और इसमें बी शब्द का मतलब क्या होता है, तो अब हम लोग इसको फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं। जब हम लोग कहते हैं सी इज इक्वल टू, ध्यान सुनना, सी इज इक्वल टू सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, कम ऑन, लाइक हाँ ये देखो तो, अरे रुको तुम लोग खिलवाड़ रुको, हो गया बस, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। तो यहां पे वाई का मतलब हो गया इनकम और सी बार का मतलब हो गया ऑटोनोमस कंजम्पशन, बट बी का मतलब क्या होता है, बी का मतलब होता है एमपीसी, एमपीसी का मतलब होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसमें बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं जो कि हमको ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब क्या होता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का मतलब होता है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है, से फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए से 150 रुपए, और इस वजह से कंजम्पशन बढ़ता है, से फॉर एग्जाम्पल 80 से बढ़ करके 110, तो आपने इनकम कितने से इंक्रीज किया, 50, इसकी वजह से कंजम्पशन कितने रुपए से इंक्रीज किया, 30, तो फॉर एवरी 1 रुपी ऑफ इनकम कंजम्पशन कितने रुपए से बढ़ती है, 0.6। इससे हम लोग कहेंगे डेल्टा वाई, यानी चेंज इन इनकम अपॉन, सॉरी चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, इसे हम लोग कहते हैं एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। दिस इंडिकेट्स कि अगर 1 रुपए से इनकम बढ़े तो कंजम्पशन कितने रुपए से बढ़ेगा, अगर 1 रुपए से इनकम बढ़े तो कंजम्पशन कितने रुपए से बढ़ेगा, या इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन में कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आता है, इनकम के बढ़ने से कंजम्पशन में कितना प्रोपोर्शनेट चेंज आता है, तो जितने से इनकम बढ़ेगी उसका 0.6 टाइम्स चेंज आएगा किसमें, कंजम्पशन में।
तो अगर इनकम 100 रुपए से बढ़ेगी तो कंजम्पशन 0.6 × 100 60 रुपीज से बढ़ेगा। अगर इनकम 500 से बढ़ेगी तो कंजम्पशन 500 × 0.6 300 से बढ़ेगा। सर इसको डिफाइन कैसे किया जाए, तो एमपीसी को डिफाइन करने का एक सिंपल सा तरीका है कि इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। जितना कंजम्पशन में चेंज होता है अपॉन जितना इनकम में चेंज होता है, ये इसको डिफाइन करने का एक सिंपल तरीका। दूसरा तरीका एक और जो हमने आपको लिखवाया है वो ये है कि इट इंडिकेट्स द इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। लिखवाए होंगे ना आपको, आ जाए कैसे आएगा, आ गया ये रहा। इट रिफर्स टू द इंक्रीज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर विद इंक्रीज इन वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम। मतलब कितना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है विद गेटिंग वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनकम। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। ओके नेक्स्ट, इनकम और कंजम्पशन, इसका हमने एक चार्ट बना लिया। अगर इनकम 100 रुपए और कंजम्पशन 150 है, अभी हम एमपीसी नहीं निकाल सकते, लेकिन हम कहें इनकम 100 से बढ़ के 200 हो गया तो चेंज इन इनकम कितना 100, इस वजह से कंजम्पशन 150 से 210 हो गया तो चेंज इन कंजम्पशन कितना 60। तो व्हाट इज एमपीसी, इट इज 60/100, कितना हो जाएगा 0.6। फिर से इनकम 100 से बढ़ा लेकिन कंजम्पशन कितने से बढ़ा 50 से, तो व्हाट इज एमपीसी 50/100। तो पहले वाले पे तो नहीं निकालते लेकिन इसके बाद वाले पे एमपीसी निकाल सकते हैं हम लोग, यस। कैसे, चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम करके। दिस इज कॉल्ड एज एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एवरीबडी प्लीज रिप्लाई विद अ यस अगर यहां तक आया तो। यहां तक आपको समझ में आ गया है, कम ऑन एवरीवन इन द चैट सेक्शन प्लीज रिप्लाई विद अ यस। नेक्स्ट, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो कि हम लोग भूल जाते हैं, अभी हम लोग आगे रिकैप करेंगे कि एमपीसी की क्या लिमिट्स होती हैं, एपीसी की क्या लिमिट्स होती हैं और ऐसा क्यों होता है। एपीसी, तो हम लोगों ने एमपीसी में कहा कि इट इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, बट वॉट इज टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, इट इज कॉल्ड एज एपीसी। तो जैसे अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल लिया, अभी हमने ऊपर एक एग्जाम्पल लिया था, कहां गया, से फॉर एग्जाम्पल ये एग्जाम्पल मान लो, ये वाला एग्जाम्पल है। यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या दिया हुआ है, इनकम सी बार बी वाई और टोटल कंजम्पशन। तो इक्वेशन क्या थी इसकी, C इज इक्वल टू 200 + 0.7 y। अब अगर इनकम 0 होगा तो C बार कितना 200, 0.7, अब ये क्या हो गया, ये 0.7 को हम लोग कह रहे थे B, और इस B का मतलब क्या हो गया था MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो MPC अपना हो गया 0.7 × y यानी इनकम। तो इनकम अगर 0 है तो भी अपना कंजम्पशन इतना होगा, यस, लेकिन बी वाई कितना हो जाएगा 0.7 × 0 कितना होता है 0। तो टोटल कंजम्पशन कैसे आएगी, सी बार प्लस बी वाई यानी 200 + 0 = 200। फिर से इनकम अगर 100 है तो सी बार तो 200 ही रहेगा लेकिन बी वाई कितना हो जाएगा 100 × 0.7 70। तो टोटल कंजम्पशन 200 + 70 = 270, 200 है तो 200 + 140 = 340, क्लियर है। लेकिन अगर एपीसी निकालना हो तो अब हमको चेंज इन कंजम्पशन और चेंज इन इनकम नहीं चाहिए, अब हमको टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम चाहिए, ठीक है। टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड एज एपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब इसका एक सिंपल सा फंडा समझो कि मान लो आप 100 रुपए कमाते हो
और आप उसमें से खर्च करते हो 80 रुपए, लेकिन अगर आप 200 कमाते हो तो आप खर्च करते हो 120 रुपए। आपने कितना एक्स्ट्रा कमाया? 100। उसमें से जस्ट अ मिनट, ओके, सो आई वॉज टेलिंग यू कि अगर इनकम आपकी 100 से 200 हो जाए और कंजम्पशन 80 से 120 हो जाए तो चेंज इन इनकम कितना है? 100, और चेंज इन कंजम्पशन कितना है? 40। तो एमपीसी कितना? 0.4। लेकिन अगर एपीसी निकालने को कहा जाए तो इट इज टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम। 80/100 बताओ कितना? 0.8। 120/200 बताओ कितना? 0.6। तो एपीसी और एमपीसी में अंतर होता है कि नहीं होता है? होता है। एपीसी इज टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम, एमपीसी इज चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। चलो, क्या यह समझ में आया? तो व्हाट इज एपीसी? अच्छा, एपीसी को डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे? सिंपल फंडा, तुम लोग को कोई डेफिनेशन अगर ना भी याद रहे, फॉर्मूला याद है तो उसी से डेफिनेशन बना दो। व्हाट इज एपीसी? एपीसी इज द रेशियो। बोलो क्या? एपीसी इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर टू टोटल इनकम। इट इज द रेशियो ऑफ टोटल कंजम्पशन टू टोटल इनकम। ठीक है, चलो भाई, अब ये समझो कि एमपीसी और एपीसी किस तरीके से वेरी करते हैं, एमपीसी और एपीसी की लिमिट्स क्या होती हैं, ये बात आपके लिए बहुत जरूरी है। एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करता है, इंक्लूडिंग 0 और 1। ये 0 भी हो सकता है और 1 भी हो सकता है, ये हमेशा 0 से 1 के बीच में वेरी करता है। सर, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण यह है कि चेंज इन कंजम्पशन कभी भी चेंज इन इनकम से बड़ा नहीं हो सकता। जितने से इनकम बढ़ेगी उससे ज्यादा से तो खर्चा नहीं बढ़ सकता, ठीक है? तो चेंज इन कंजम्पशन कैन नेवर बी ग्रेटर देन चेंज इन इनकम। लेकिन क्या कंजम्पशन इनकम से बड़ा हो सकता है? फिर से, क्या कंजम्पशन ग्रेटर देन इनकम पॉसिबल है? यस, यस। कैसे होगा सर? पास्ट सेविंग्स, पीछे की सेविंग काम आएगी, लोन ले सकते हैं। लेकिन क्या चेंज इन कंजम्पशन ग्रेटर देन चेंज इन इनकम हो सकता है? अगर इनकम 100 से बढ़े तो खर्चा 120 से बढ़ा देंगे? नहीं, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से एमपीसी कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता, लेकिन एपीसी 1 से बड़ा हो सकता है। यह कितने से लेके कितना तक हो सकता है? 0 से बड़ा होगा लेकिन इंफिनिटी तक हो सकता है। 0 से क्यों बड़ा होगा? क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ तो कंजम्पशन होगा ही होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन के नाम का कुछ ना कुछ कंजम्पशन तो होगा ही होगा। तो 0 से बड़ा होगा लेकिन इनफाइनाइट तक हो सकता है। इनफाइनाइट कैसे होगा? जब मान लो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 50 का है लेकिन इनकम कुछ भी नहीं है, बिना इनकम के भी कुछ ना कुछ तो खर्चा होता ही है, तो हम लोग इसे कहेंगे कि एपीसी विल बी इक्वल टू इंफिनिटी। तो एपीसी वेरी करता है 0 से इंफिनिटी तक, लेकिन एमपीसी होता है हमेशा 0 से 1 तक। वंस अगेन, एमपीसी की वैल्यू 0 to 1, एपीसी की वैल्यू 0 to infinity। क्या एमपीसी 0 हो सकता है? यस, हो सकता है। इनकम बढ़ा लेकिन हमने कंजम्पशन इंक्रीज ही नहीं किया, ठीक है? तुम्हारी इनकम है 1000 करोड़, ठीक है? ये ऐसे ऐसे सर, हाँ हाँ सर, बस 1000 है, करोड़ लगाना बाकी है। तो तुम्हारी इनकम है 1000 करोड़, अब तुमने कमा लिया 1010 करोड़, तो ठीक है, इनकम बढ़ने पे कंजम्पशन बढ़ाने के लिए कुछ बचा रहेगा जिंदगी में? नहीं बचा है। तो एट दैट पर्टिकुलर, जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है, कहते हैं जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है आपका एमपीसी डिक्लाइन करते जाता है। जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एमपीसी डिक्लाइन करता जाएगा,
क्योंकि कोई वॉन्ट्स रह नहीं गए ना सेटिस्फाई करने के लिए, ऑलरेडी सब सेटिस्फाइड है, समझ रहे तुम लोग? नहीं सर, ये समझना नहीं है सर, ये महसूस करके देखना है ना? चलो एनीवेज, बाकी तुम लोग को एक कॉन्सेप्ट आया कि नहीं आया? एमपीसी कितने से कितने तक? 0 to 1 तक। एपीसी कितने से कितने तक? 0 से इंफिनिटी तक हो सकता है। 0 से 1, ये एमपीसी 1 से ज्यादा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि चेंज इन कंजम्पशन कभी भी चेंज इन इनकम से बड़ा नहीं हो सकता। एपीसी 1 से बड़ा कैसे हो सकता है? बिकॉज टोटल कंजम्पशन कैन बी ग्रेटर देन टोटल इनकम। दिस इज बिकॉज ऑफ ऑटोनोमस कंजम्पशन। किसकी वजह से? ऑटोनोमस कंजम्पशन की वजह से ऐसा पॉसिबल है। एवरीबडी क्लियर अबाउट दिस? कम ऑन क्विकली टाइप यस। आगे सुनो, यहां तक की हो गई अपनी चर्चा, अब इसके बाद आते हैं हम लोग सेविंग्स पर। जैसे हम लोग, वेरी गुड, जैसे हम लोग कंजम्पशन फंक्शन बना रहे हैं, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई जैसे हम लोग बना रहे हैं, वैसे ही करके सेविंग्स फंक्शन भी बना सकते हैं। सर सेविंग फंक्शन कैसे बनता है? एक इक्वेशन होती है कि इनकम इज कंजम्पशन प्लस सेविंग। हमारी इनकम या तो कंज्यूम होगी या तो सेव होगी। अगर इसी को हम लोग एक्सपैंड करके लिखें तो वाई इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई प्लस एस। अगर इसी से सेविंग फंक्शन बनाए तो एस इज इक्वल टू माइनस सी बार, ये इधर चला गया माइनस सी बार प्लस बी वाई माइनस वाई। दिस इंप्लाइज एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी माइनस बी वाई प्लस वाई होगा। आई वॉज जस्ट चेकिंग तुम लोग ध्यान दे रहे हो कि नहीं। माइनस बी वाई प्लस वाई होगा, ठीक है? क्या उसमें हंसने की क्या जरूरत है, यही हो रहा था। तो 1 माइनस बी इंटू वाई, इज दिस क्लियर? तो सेविंग इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू, दिस इज योर सेविंग्स फंक्शन। नाउ ना नाउ, अब अगर हमको सेविंग्स फंक्शन के बारे में बताना हो कि ये कैसे करके आया, तो एक तो इसका ये न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन हो गया, दूसरा हम लोग कह सकते हैं कि जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन होता था, ऑल्दो ऐसा कहा नहीं जाता बट आई कैन से इट इज ऑटोनोमस डिस सेविंग, ठीक है? ऑटोनोमस डिस सेविंग मतलब जैसे कंजम्पशन होता ही है तो हमारी सेविंग्स ऑटोमेटिकली इतने से तो घटी जाएगी। कितने से घट जाएगी? सी बार से घट जाएगी। और जैसे हमारा बी होता था प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, 1 माइनस बी इंडिकेट करता है प्रोपेंसिटी टू सेव। तो से फॉर एग्जाम्पल, अगर हम आपसे कहें कि मेरा ऑटोनोमस कंजम्पशन 200 का है और हमारी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 0.80 की है, तो हमारा सेविंग्स फंक्शन क्या हो जाएगा? सेविंग्स फंक्शन हो जाएगा -200 प्लस 1 माइनस 0.8 वाई, यानी -200 प्लस 0.2 वाई, ये हो जाएगा आपका सेविंग्स फंक्शन। अच्छा सर, ये सेविंग्स फंक्शन या कंजम्पशन फंक्शन को अगर हमें कभी डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हम कह सकते हैं कंजम्पशन फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप, इट शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन, ये कोई फंक्शनल रिलेशनशिप दिखाता है दो वेरिएबल्स के बीच में। तो सेविंग फंक्शन में हमको जो वेरिएबल्स मिलते हैं, दे आर इनकम एंड सेविंग्स। दे आर क्या? इनकम एंड, यानी कितनी इनकम पे कितना सेविंग होगा ये हमको सेविंग फंक्शन बताता है, कितनी इनकम पे कितना कंजम्पशन होगा वो हमको कंजम्पशन फंक्शन बताता है। तो कंजम्पशन फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन, सेविंग फंक्शन शोज फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम एंड सेविंग्स, ठीक है? हमेशा ऐसे फ्लो फ्लो में नहीं जाते। फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे सुनो, अगर हम आपसे कहें
कि सी इज इक्वल टू, एक कंजम्पशन फंक्शन हमने आपको दिया 500 प्लस 0.7y, तो बताओ सेविंग्स फंक्शन क्या हो जाएगा, माइनस 500 प्लस 0.3y, क्योंकि ये सी है तो नीचे क्या लिख देंगे सी बार, अगर ये बी है तो नीचे क्या लिख देंगे 1 माइनस बी, बन गया सेविंग्स फंक्शन। अब सुनिए सर, जैसे हमने कंजम्पशन का कर्व बनाया वैसे ही सेविंग्स का कर्व बना सकते हैं। आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाला सबसे गर्मा गर्म सवाल, न जाने क्यों इतनी बार पूछा जाता है, सवाल है कि सेविंग्स कर्व कैसे ड्रॉ किया जाए कंजम्पशन कर्व की मदद से। तो समझो ये कौन सा कर्व हमने बनाया है, ये हमने बनाया इनकम का कर्व, ये कौन सा कर्व है इनकम का कर्व है, और ये कर्व हमने बनाया है कंजम्पशन का, दिस कर्व इज फॉर कंजम्पशन, कंजम्पशन का कर्व ऐसे ही बनता था। इनकम के कर्व की एक खासियत है कि ये 45 डिग्रीज पे बनता है। सर जी इसके पीछे रीजन ये है कि एक्स एक्सिस जो बनता है यहां पे क्या ड्रॉ करते हैं इनकम, और जो वाई एक्सिस बनता है वहां पे भी क्या ड्रॉ कर रहे हैं इनकम, एक्स पे भी बोलो इनकम, वाई पे भी इनकम, तो भैया इनकम इनकम 1 1 2 2 5 5, तो अल्टीमेटली जो इनका स्लोप बनेगा दैट स्लोप इज इक्वल टू एम, मतलब स्लोप स्लोप इज एम एंड दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलो उसको हटाओ, फिलहाल के लिए 45 डिग्रीज पे बनेगा। अब सुनिए सर, ये पोर्शन पे अपने को दिखाई दे रहा है, दिख रहा है तुम लोग को, ये पोर्शन में दिखाई दे रहा है कि हमारी इनकम कम है और कंजम्पशन ज्यादा है, कंजम्पशन इज ग्रेटर देन इनकम, तो हमारी सेविंग्स पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी। ये कंजम्पशन का कर्व बताओ कहां से शुरू हो रहा था, सी बार से, कहां से शुरू होता है ये कर्व सी बार से, पीछे अभी हम लोगों ने एक डायग्राम में बनाया, तो जो सेविंग्स का कर्व होगा वो कहां से शुरू होगा माइनस सी बार से, ठीक है। अब वो पॉइंट जहां पे इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होता है, वो पॉइंट जहां पे इनकम इक्वल टू कंजम्पशन होता है, अगर इनकम और कंजम्पशन एक बराबर है तो सेविंग्स तो कुछ बची ही नहीं, जितना इनकम आया उतना आपने खर्च कर दिया, तो सेविंग इक्वल टू जीरो, तो इस पॉइंट पर सेविंग्स इज इक्वल टू जीरो। अब अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो वी कैन से कि ये हो जाएगा हमारा सेविंग्स का कर्व। एक कर्व बनाने के लिए क्या चाहिए, हमको चाहिए दो पॉइंट्स है ना, और दो पॉइंट्स हमको मिल गए कौन कौन से, एक मिल गया माइनस सी बार और एक मिल गया वो वाला पॉइंट जहां पे सेविंग इक्वल टू जीरो, कहां पे सेविंग इक्वल टू जीरो, वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके यू कैन डिराइव सेविंग्स कर्व। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ टू डिराइव सेविंग्स कर्व फ्रॉम कंजम्पशन कर्व, सुनो ध्यान से क्या लिखेंगे, सबसे पहले वी कैन ड्रॉ इनकम कर्व एंड कंजम्पशन कर्व एज गिवन इन द बिलो डायग्राम। कंजम्पशन कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम सी बार एंड इनकम कर्व विल बी अ स्ट्रेट अपवर्ड स्लोपिंग लाइन एट 45 डिग्रीज। इतना तक हमने लिख दिया इंट्रोडक्शन। फिर हमने लिखा कि इफ कंजम्पशन कर्व स्टार्ट फ्रॉम सी बार देन सेविंग कर्व विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस सी बार। पॉइंट नंबर 3, वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन सेविंग इज इक्वल टू जीरो। नाउ बाय ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी एज गिवन इन द बिलो डायग्राम, समझ रहे हो, बाय ज्वाइनिंग पॉइंट ए एंड बी एज गिवन इन द बिलो डायग्राम वी कैन डिराइव सेविंग्स कर्व। हो गया, बन गया, नीचे डायग्राम बना के दिखाएंगे, अच्छा सा नंबर मिल जाएगा तुम लोगों को। नंबर पाना कोई कठिन बात है क्या, नहीं कोई कठिन बात नहीं। क्या ये तुम लोगों को समझ में आया, इसको छापो जल्दी जल्दी, तब तक हम बाकी का रंगते हैं। ये हिस्सा हो गया इनकम ग्रेटर देन कंजम्पशन, तो यहां पे सेविंग्स इज नेगेटिव और इस पोर्शन में सेविंग्स इज पॉजिटिव।
बोलो एवरीबडी, इज दिस क्लियर? कम ऑन एवरीवन इन द चैट सेक्शन, प्लीज टाइप यस अगर यहां तक क्लियर हुआ तो। फास्ट कैन वी से सी इज पैरेलल टू एस? नो नो वी कैन नॉट से दैट बिकॉज देयर माइट बी अ पॉइंट व्हेन सेविंग्स इज ग्रेटर देन कंजम्पशन और कंजम्पशन इज ग्रेटर देन सेविंग। C will be parallel to S only if yes, correct. ठीक है, because in that case consumption and savings will rise always at an equal proportion. खैर नहीं, इफ एमपीसी इज वन तो फिर सेविंग्स तो चेंज ही नहीं होंगी ना। चलो आगे बढ़ते हैं। आई विल कम टू इट बट नॉट राइट नाउ इन द रिविजन सेशन, अदरवाइज द ट्रैक विल गेट लॉस्ट। यू जस्ट नोट इट डाउन। चलो नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये यहां तक हम लोगों ने समझ लिया है किसके बारे में? सेविंग्स कर्व के बारे में। अपने दो क्लासेस की डिस्कशन आई थिंक हो गई है फिनिश। तीन क्लासेस, ये तीसरी चल रही थी। अच्छा, अब हम लोग जानते हैं एमपीएस के बारे में। से फॉर एग्जाम्पल, कम ऑन स्टूडेंट्स, अगर हम आपके साथ एक छोटा सा न्यूमेरिकल लिखें, हमने यहां पे लिखा इनकम कंजम्पशन जीरो, टू फिफ्टी, टू हंड्रेड, थ्री सेवेंटी, फोर हंड्रेड, फोर नाइन्टी, 600, 610, 800, 700, 1000, 780. If I ask you to find out C bar, एक मास्टर क्वेश्चन कर लें, C bar, BY, B, S और अच्छा ये यहां पे हम निकाल सकते हैं B क्या है बताओ? B इज क्या? MPC और वैसे ही करके हमको निकालना पड़ सकता है MPS। अच्छा और क्या क्या निकाल सकते हैं? APC और APS। हो सकता है उतनी जगह ना हो आपके पास, हमको उससे मतलब नहीं, जगह बनाओ। चलो बताओ सी बार कितना होगा? 250। क्या अगर कैसे पता चला 250 है? क्योंकि जीरो इनकम पे कंजम्पशन है, इसका मतलब ये क्या है? ऑटोनॉमस कंजम्पशन है। तो हर जगह पे सी बार कितना हो जाएगा? 250, 250। BY मतलब क्या? इंड्यूस्ड, जितना ऑटोनोमस है अगर वो घटा दें तो बचा हुआ हिस्सा इंड्यूस्ड। वैसे ही 370 में से 250 हटा दें, इंड्यूस्ड 120, यहां पे 240, यहां पे 360, यहां पर 450, फिर इसके बाद 530। पहले वाले में एमपीसी कितना होगा कोई बता सकता है? ना, पहले वाले में डैश। दूसरे वाले से निकालना शुरू करेंगे एमपीसी। एमपीसी कैसे निकालेंगे? चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम। कम ऑन एवरीबडी, चेंज इन कंजम्पशन कितना?
120, चेंज इन इनकम कितना 200, 120 बाय 200, एवरीवन प्लीज आंसर क्या आ जाएगा 0.6. फिर चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम 0.6. फिर चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, कितना चेंज इन कंजम्पशन है 120, चेंज इन इनकम 200, 0.6. अब बताओ चेंज इन कंजम्पशन कितना 90 और चेंज इन इनकम कितना 200, तो 90 बाय 200 कितना हो जाएगा 0.45. और ये क्या है 80 बाय 200 इक्वल टू कितना 0.40. ये हुआ सब जगह का एमपीसी. क्या तुम लोगों को निकालने आया? अच्छा, एपीसी निकालना होता तो कैसे निकालते? टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम 250 बाय 0, बोलो इंफिनिटी, 370 बाय 200. हम ये कैलकुलेशंस कर देते हैं आपके लिए, परेशान नहीं होंगे. 490 बाय 400, 122.5, 610 बाय 600 इक्वल टू 101 पॉइंट, अच्छा 1.225 ना, मतलब समझो ना लायक, गलती निकालना है पहले, बाकी का बाद में देखेंगे. टीचर ने गलती किया है, पहले उसको एहसास दिलाओ. जिंदगी से यह सुनहरा मौका जाना नहीं चाहिए. 610 बाय 600 इक्वल टू 1.066. 700 डिवाइडेड बाय 800 इक्वल टू 0.9 आएगा ये वाला. अच्छा बाहर में गया, कुछ भी आ रहा हो, छापो तुम लोग, छापो छापो तुम लोग. 780 बाय 1000 देखो, हम सबसे पहले करके दिखाएंगे. नहीं नहीं, ये वाला तुम लोग ये, हाँ हाँ हाँ, यही तो सुबह सुबह उठ के याद करते हैं. चलो अब सेविंग्स निकाल लेते हैं. ये ना ना, हमको सिंपल तरीका मालूम है, इनकम में से कंजम्पशन घटाएंगे तो सेविंग्स मिलेगा. माइनस 250 पहला वाला हमको मिल गया, वाह. माइनस 250, 200 में से 300 मालूम है. अच्छा तुम लोग बोलो बोलो, कोई बात नहीं. तुम लोग कहोगे सर ऐसे ये वाला बताने नहीं दिए, ये वाला बताने नहीं देंगे, तो खुद ही कर लीजिए, है ना. चलो करो करो फटाफट. पता है अच्छा अब क्या निकालना है बताओ. एमपीएस, पहले वाले का एमपीएस बताओ. अच्छा अब तुम लोगों को एमपीएस निकाल के दिखाएं एकदम ऐसे फास्ट ट्रैक में. 0.4, 0.4, 0.4, 0.55 और 0.6, समझो भाई कैसे आया. भाड़ में गया, सुनो मेरी बात, हम समझाएंगे. एमपीसी और एमपीएस, अगर एक रुपए में से 60 पैसा खर्चा कर रहे हैं तो 40 पैसा बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, बोलो यस और नो. वैसे ही एक रुपए में से 60 पैसा खर्चा किए तो 40 पैसा बचाएंगे, फिर एक रुपए में 60 पैसा खर्चा किए तो 40 पैसा बचाएंगे, और अगर 45 पैसा खर्चा किए तो 55 पैसा बचाएंगे. सिंपल फंडा, एमपीसी और एमपीएस को जोड़ के कितना आएगा 1. तो एमपीसी निकाल दिया तो एमपीएस में ज्यादा भेजा नहीं लगाएंगे, ठीक है. अच्छा सर क्या ऐसा एपीसी और एपीएस में भी कर सकते हैं? जी हाँ, अगर ये प्लस इंफिनिटी है तो यहां पे आएगा माइनस इंफिनिटी, अगर ये 1.35 है तो ये माइनस 0.35 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 0.225, माइनस 0.066,
ये हो जाएगा प्लस 0.125 और ये हो जाएगा प्लस 0.22। ठीक है, छापा सबने, तुम लोग छापो। अच्छा पहले ये सब कैलकुलेशन गई भाड़ में, हमको बताओ कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं आया। इसे हम लोग कहते हैं मास्टर क्वेश्चन। ठीक, इसलिए नहीं क्योंकि मास्टर देता है, इसलिए क्योंकि इसके अंदर में सारे कॉन्सेप्ट्स कवर अप होता है। सबको समझ में आया? ये जो ऑनलाइन लाइव वाले हमारे बच्चे अभी तक छापने में ही लगे हैं, वो सोच रहे हैं कि अच्छा समझा जाएगा बाद में, पहले लिख लिया जाए। कृपया थोड़ा समय निकाल करके यस लिखें अगर समझ में आया तो, नहीं समझ में आया तो नो नहीं लिखेंगे, जो डाउट है वो पूछेंगे। बधाई हो। राइट राइट, वेरी गुड, आई गॉट दैट। हाँ क्लियर है, ठीक है, चलो फंटास्टिक। तो इतना करने के बाद अब आपको एमपीसी एमपीएस एपीसी एपीएस में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी से हमको एक और फॉर्मूला एक बार प्रैक्टिस हो गया, वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है कि एपीसी और एपीएस को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा 1, और एमपीसी और एमपीएस को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा। अगर आपसे कहा जाए कि इसका ऐसे नहीं, हमको न्यूमेरिकल एक्सप्लेनेशन करके दिखाओ, न्यूमेरिकली इसको वेरीफाई करके दिखाओ, तो वो भी अपने कर सकते हैं। एपीसी इज कंजम्पशन अपॉन इनकम, एपीएस इज सेविंग अपॉन इनकम, इक्वल टू इनकम इनकम एलसीएम इनकम, सी प्लस एस इज इनकम, इक्वल टू कितना 1। वैसे ही करके ये हो जाता है डेल्टा सी बाय डेल्टा वाई प्लस चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम हो गया एलसीएम चेंज इन कंजम्पशन प्लस चेंज इन सेविंग्स। तो दिस इंप्लाइज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इनकम इक्वल टू कितना 1। तो वी कैन से कि ये दोनों ही न्यूमेरिकली भी हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं। यहां तक की बातें एपीसी एपीएस एमपीसी एमपीएस हो गया समाप्त। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्लास नंबर 4 पर। एग्रीगेट सप्लाई माने क्या होता है? एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फर्म्स इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। वो वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो कि आप विलिंग टू सेल हैं एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम पर, उसे हम लोग कहते हैं एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, इतना हम ऑफर करना चाहते हैं और जितना खरीदना चाहते हैं, दैट इज एग्रीगेट डिमांड। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, कहां पे? तो इनकम इज कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो दिस इज नॉट ओनली योर डाउट, ये कई बार अपने मन में आता है जब इतना कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उसके बाद फिर आता है कि एडी इक्वल टू क्या था और एएस इक्वल टू क्या था। तो एडी इक्वल टू सी प्लस आई एंड एएस इक्वल टू सी प्लस एस। ठीक है स्टूडेंट्स, 10 मिनट है आपके पास, 10 मिनट आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग? हाँ हाँ, क्या करोगे, ऐसे उधार में जिंदगी चल रही है। तो सुनो ध्यान से, एग्रीगेट सप्लाई इज क्या, कम ऑन एवरीबडी प्लीज स्पीक अलोंग विथ मी, इट इज द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट फर्म्स इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू सेल एट अ पर्टिकुलर लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, एग्रीगेट सप्लाई को ही हम लोग इनकम भी कहते हैं। इसका अगर कर्व बनाना हो तो सिंपल एक अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन बनती है, कितने डिग्री पे, 45। तो एग्रीगेट सप्लाई इज नथिंग एल्स बट इट इज इनकम। इसी को हम लोग नेशनल इनकम भी कहते हैं इकोनॉमिक लेवल पर। ठीक है, अब समझो, हम लोग सीखने वाले हैं इक्विलिब्रियम अंडर एडीएएस अप्रोच। तो
इक्विलिब्रियम इकोनॉमिक लेवल पर कब होता है? इक्विलिब्रियम तब होता है जब सिंपल सी बात AD इक्वल टू क्या होगा? AS. तो व्हेन AD इज इक्वल टू AS तब होगा इक्विलिब्रियम. जब AD इक्वल टू AS होता है, इन दैट केस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल बी इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स, क्योंकि ये आपकी इनकम होती है. तो वी कैन से इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम. ठीक है, ये मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम है. अब इसको हम लोग डायग्रामेटिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, इस बात को ध्यान से समझें. एग्रीगेट डिमांड हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं. अच्छा, एग्रीगेट डिमांड का कर्व भी ड्रॉ करना आप लोग प्लीज सुनिएगा, क्योंकि आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का डिमांड सीखा है, सॉरी कर्व सीखा है. एवरीबॉडी फोकस. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम लोग इस तरीके से बनाते थे, कुछ ये बनाते थे हम लोग सी फोकस, ये हम लोग बनाते थे सी बार, और ये बनाते थे सी राइट. आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज अज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस, इट इज अज्यूम्ड टू बी ऑटोनोमस. तो ये क्या बन गया आपका आई. अब आप इसको सी बार के ऊपर बनाओ या फिर नीचे बनाओ, कैसे भी बना सकते हो, लेकिन ये हो गया आई बार. तो अब सी और आई बार जोड़ करके, सी और आई ऑटोनोमस मान लिया, इन दोनों को जोड़ करके बनेगा एडी. तो एडी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के भी ऊपर से बनेगा. तो कई बार अपने कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर यही तो एग्रीगेट डिमांड है ना, ये क्या है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इसके भी ऊपर से क्या बनेगा एग्रीगेट डिमांड. अच्छा ये हो गया अपना एग्रीगेट डिमांड का कर्व. अब हम सीधे बनाते हैं एग्रीगेट डिमांड के कर्व से. अगर हमने ये बना दिया अपना एग्रीगेट डिमांड और ये बना दिया हमने एग्रीगेट सप्लाई, दिस इज माय एग्रीगेट डिमांड एंड दिस इज एग्रीगेट सप्लाई. तो ये होता है आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, यानी ये वो पॉइंट है वेयर एडी इज इक्वल टू क्या एस. दिस इज द पॉइंट वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई, ऑल्सो कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम. अब आपको यहां पे ये समझना है कि तीन अलग अलग लेवल्स पर हमारा इक्विलिब्रियम अराइज कर सकता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई. ठीक है, द गुड्स एंड सर्विसेज. अच्छा इसको एक्सप्लेन सिर्फ इतना तो कर नहीं सकते, एक्सप्लेन तो और करना है. तो हम लोग इसको कैसे करके एक्सप्लेन करते हैं. द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू ऑफर, दैट फर्म्स इन एन इकोनॉमी आर विलिंग टू ऑफर इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट पीपल आर विलिंग टू डिमांड इन एन इकोनॉमी. ठीक है, सो इन दिस सिचुएशन एन इकोनॉमी इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम. अब ये जो इक्विलिब्रियम है ना, ये तीन अलग अलग सिचुएशंस में अराइज कर सकता है. कौन से तीन सिचुएशंस में? एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई तीन अलग अलग सिचुएशंस में हो सकता है. एक होता है फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अगर हम कहें कि ये एग्रीगेट डिमांड है तब की व्हेन द इकोनॉमी इज एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब हर एक रिसोर्स अगर आपके यहां पे टोटली इस्तेमाल हो रहा है तो जो एग्रीगेट डिमांड होगी हम उसे कहते हैं एग्रीगेट डिमांड एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट. इसको जब हम एग्रीगेट सप्लाई के साथ में मिलाते हैं तो हम इसे कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. ठीक है, लेकिन अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इससे कम हो तो हमको यहीं पर इक्विलिब्रियम दिखाई दे जाएगा, इसे हम कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. इसको क्या कहते हैं? अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. वंस अगेन, अगर हमारी एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई हो एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, यानी एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट वाली अगर हम लोग लें, जब सारे रिसोर्सेज एम्प्लॉय हो रहे हैं तो इसे हम लोग कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. लेकिन अगर इससे कम एग्रीगेट डिमांड हो तो हम लोग इसे कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. और
अगर हम आपसे कहें कि हमारी एग्रीगेट डिमांड फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे जितनी होनी चाहिए उससे भी ज्यादा है, तो इसे क्या कहते हैं? ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। दिस इज एग्रीगेट डिमांड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इसे हम लोग कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, इसे हम लोग कहते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, और अगर एग्रीगेट डिमांड फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम से ज्यादा हो तो फिर हम इसे कहते हैं ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम तीन अलग अलग सिचुएशंस में अराइज कर सकता है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे। ठीक है, क्या ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हैं? When aggregate demand is more than aggregate demand at full level of employment, then the economy will be in situation of over full employment equilibrium. When aggregate demand is below the aggregate demand at full level of employment, it will be in a situation of under employment equilibrium. And when aggregate demand will be equal to aggregate supply at full employment equilibrium, then it will be, when aggregate demand is at full employment level, तो फिर इट विल बी एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। ये तीन सिचुएशंस हैं भाई, बोलो जल्दी से, ये समझ में आ गया? बहुत जरूरी था ये। एवरीबडी, कम ऑन फास्ट। अभी तो बहुत बाकी है कि नहीं? नेक्स्ट। अब जैसे ये एक था व्हेन एडी इक्वल टू एएस पे है, वैसे ही सेविंग्स इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पे भी होता है। अब सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं? इन्वेस्टमेंट अपने क्या मान के चलते हैं? ऑटोनोमस। तो सुनिए, सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट में आप सबसे पहले तो जो अपना रेगुलर डायग्राम बनाते हैं वो बना लीजिए, एक इन्वेस्टमेंट का बना लीजिए और इसके ऊपर से एडी का बना लीजिए और एएस का बना लीजिए। आपको दिखाई दे गया है कि ये है हमारा पॉइंट ऑफ क्या? इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम होता है। क्या होता है ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ? दिस इज इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट पे भी आएगा। तो अब देखो, आपका सी जहां से शुरू हो रहा होगा, अब सी मान लो इधर ऊपर से नीचे से कहीं से भी शुरू हो रहा होगा, सेविंग वहीं से शुरू होता है, तो सेविंग कर्व कहां से शुरू होता है? माइनस सी बार से। और दूसरा, व्हेन एडी इज इक्वल टू एएस, तभी सेविंग इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। अब इन दोनों कर्व को आप ज्वाइन करके बना लो क्या? सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वाला कर्व, सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट वाला कर्व। तो देखो, जहां पर एडी इक्वल टू एएस है, ओके, सो जहां पे एडी इक्वल टू एएस है वहीं पर क्या होगा? सेविंग्स इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो दिस इज इक्विलिब्रियम यूजिंग सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अप्रोच। यस, देखिए, दिस इज द पॉइंट वेयर एडी इज इक्वल टू एस। इफ यू आर आस्किंग, सर हम लोगों ने तो सीखा था इस पॉइंट पर s इज इक्वल टू जीरो होता है, इस पॉइंट पे सेविंग इक्वल टू जीरो नहीं होता था। सेविंग इक्वल टू जीरो होता था व्हेन कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम। तो अगर कंजम्पशन का कर्व हम यहां पे बना दें, कंजम्पशन का कर्व अगर हम यहां पे कहीं बना दें, तो फिर हम इसको कह सकते थे। आई होप यू आर गेटिंग इट। ठीक है, ये ऐसे करके, वाह,
दिस इज योर बस ठीक है चलो नेक्स्ट। तो ये हो गया अपना इक्विलिब्रियम की स्थिति। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्लास नंबर सिक्स में हमने क्या कराया था? क्लास नंबर सिक्स में मैंने आपको समझाया था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट, राइट? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के कॉन्सेप्ट को एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो हम लोग सीख रहे थे क्लास नंबर सिक्स में, मतलब जो मेरी एग्जॉस्टिव क्लासेस थी उसके अंदर में, उसके क्लास नंबर सिक्स में हमने आपको सिखाया था कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने सीखा था कि जब आप कोई एक एक्सपेंडिचर करते हैं, जैसे से फॉर एग्जाम्पल हमने कोई भी एक इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किया, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं इनटू द इकोनॉमी, तो वो एक पर्सन के लिए इनकम जनरेट करता है। जैसे ही इसकी इनकम राइज होती है, ये अपना कंजम्पशन भी बढ़ा देता है, और जब ये अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाता है तो इसके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बढ़ने से दूसरे पर्सन की इनकम राइज होती है, जब इनकी इनकम राइज होती है तो ये अपना कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ाता है, ये भी किसी तीसरे इंसान के ऊपर में कंजम्पशन करेगा। तो इस तरीके से एक इन्वेस्टमेंट कई लोगों के लिए इनकम जनरेट कर सकती है। वो किसी एक के लिए अगर इनकम जनरेट कर रही है, से फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई कंप्यूटर परचेज किया, तो ये जो कंप्यूटर सेलर होगा उसकी इनकम जनरेट होगी। हो सकता है कि अब ये कंप्यूटर सेलर और ज्यादा रॉ मटेरियल परचेज करे, या और ज्यादा ये होलसेलर से सामान परचेज करे, या फिर कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दे। हम मान के चलते हैं कि कोई कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इसने कर दिया, इसने खर्चा किया, ठीक है, कोई लेजर एक्टिविटी किसी भी चीज के ऊपर, तो ये जो सेलर है इसके लिए इनकम जनरेट होगा, ये फर्दर अपने खर्चे को बढ़ाएगा तो ये इसके ऊपर खर्चा करेगा, एंड दिस चेन विल कीप ऑन कंटिन्यूइंग। तो आपका इन्वेस्टमेंट कई गुना मल्टीपल टाइम्स इनकम को इंक्रीज करता है, एंड दिस मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो द फॉर्मूला फॉर दिस वॉज के इक्वल टू 1 upon 1 minus MPC, और इसका एक और फॉर्मूला था विच वॉज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। तो से फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि अगर इन्वेस्टमेंट में 200 का चेंज आता है और इसकी वजह से इनकम 800 से इंक्रीज कर जाती है, तो इसका मतलब है कि योर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 800 डिवाइडेड बाय 200 इक्वल टू 4 times, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट 4 गुना इनकम इंक्रीज कर देती है। इसका एक और फॉर्मूला है 1 upon 1 minus MPC। तो 1 upon 1 minus MPC वाले फॉर्मूला को हम लोग कैसे यूज करते हैं? मान लो एमपीसी इज इक्वल टू 0.75, तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1 upon 1 minus 0.75 इक्वल टू 1 upon 0.25, दिस इज इक्वल टू ऑल्सो 4 times। तो हम आपके साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, आप लोग इसका आंसर करना। एवरीबडी प्लीज नोट इट डाउन एंड आंसर। एक एग्जाम्पल लिखो, इफ MPC is equal to 0.6 and investment increases by ₹200 crore, find increase in national income। बताना जरा सा, find increase in national income।
आया। के इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी भी होता है और चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन कंजम्पशन भी होता है। तो इसका मतलब वन अपॉन वन माइनस, वन अपॉन वन माइनस 0.6 इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट हम 200 का कर रहे हैं। तो चेंज इन इनकम इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 0.4, दिस इज इक्वल टू 2000 अपॉन 4 यानी 500 करोड़। क्या ये सबको समझ में आ गया? एक और छोटा सा एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल अगर कहा जाए इफ एमपीसी इज ट्वाइस ऑफ एमपीएस, नेशनल इनकम इज टू बी इंक्रीज्ड, इज टू बी इंक्रीज्ड बाय रुपीज 900 करोड़, फाइंड इंक्रीज, फाइंड इसको ऐसे कर लो, फाइंड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड, क्या इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड है इस चीज के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर करना होगा। कम ऑन एवरीबडी, तो एमपीसी इज 2 टाइम्स एमपीएस, एमपीसी प्लस एमपीएस इक्वल टू 1, नहीं उल्टा कर दिया आपने। अच्छा अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं, एमपीसी इज 2 टाइम्स एमपीएस, तो 2 एमपीएस प्लस एमपीएस इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज एमपीएस इज इक्वल टू 1/3, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एमपीसी इज इक्वल टू 2/3। अच्छा हम लोग जो लिखते हैं के इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एमपीसी, इसकी जगह वन अपॉन एमपीएस भी लिख सकते हैं। वन अपॉन वन माइनस एमपीसी की जगह और क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन एमपीएस। तो दिस इज इक्वल टू चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो 1/1/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, इक्वल टू चेंज इन इनकम कितना 900 और चेंज इन इन्वेस्टमेंट हमको कैलकुलेट करना है। तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट विल बी इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाय 3 यानी कितना 300। ठीक है, क्लियर है यहां तक की बात? एवरीबडी प्लीज फोकस, ये 1/1/3 में 3 ऊपर चला गया, फिर चेंज इन इन्वेस्टमेंट ऊपर 3 नीचे, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू 900 डिवाइड बाय 3 यानी 300। क्या ये बात समझ में आ गई सबको? प्लीज कंफर्म विद यस अगर यहां तक आया तो।
ये देखिए सुनिए ध्यान से, जैसे ये एक न्यूमेरिकल हमने आपको कराया, एक और न्यूमेरिकल है विच इज बेस्ड ऑन इक्विलिब्रियम, वो वाले भी न्यूमेरिकल्स हम लोग एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो से फॉर एग्जाम्पल आपसे कहा जाता है एडी इज इक्वल टू ए एस इंप्लाइज क्या चीज, इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। हमने आपसे कहा, अब क्वेश्चन यहां से अपना, सी इज इक्वल टू 200 प्लस 0.6 वाई इफ इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज रुपीस 500 करोड़ एट इक्विलिब्रियम, फाइंड नेशनल इनकम। इक्विलिब्रियम है और उस इक्विलिब्रियम पे इन्वेस्टमेंट कितना है, 500 करोड़ का, तो आपको क्या फाइंड करना बताओ, नेशनल इनकम कितनी होनी चाहिए। तो बताओ जब इक्विलिब्रियम होता है तो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू सेविंग्स। अच्छा साहब इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट कितना है, 500, सेविंग्स कितनी है, सेविंग्स कितनी है, सेविंग के लिए हम लोग लिखेंगे माइनस 200 प्लस 0.6 क्या है बताओ, एमपीसी, हमको क्या चाहिए एमपीएस, तो क्या लिखेंगे 0.4 वाई, तो वी कैन से 700 इज इक्वल टू क्या 0.4 वाई। इट इज 700 डिवाइड बाय 0.4 कितना हो गया 1750 करोड़। ये एक सिंपल सा तरीका है इक्विलिब्रियम वाले क्वेश्चंस को करने का, क्या ये चीज समझ गए। आई होप दिस इज क्लियर, पक्का आ गया। चलो अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने कौन सा टॉपिक पिकअप किया था, इसमें और कोई टॉपिक था एक बार चेक करिएगा, एक्सेस डिमांड डिफिशिएंट डिमांड से पहले अभी इस और कोई टॉपिक था जो कि हम लोगों ने स्किप कर दिया, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर था। अच्छा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था, ध्यान से सुनना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में हम लोग कहते हैं के इज इक्वल टू 1/(1-MPC) इक्वल टू 1/(MPS), तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड के, यानी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, एमपीसी जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा, तो देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है, हायर द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हायर विल बी द वैल्यू ऑफ एमपीसी, लोअर द एमपीसी लोअर विल बी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। एमपीएस के साथ में ठीक उल्टा होता है, जितनी ज्यादा सेविंग होगी उतना कम आपका मल्टीप्लायर होगा और जितनी कम सेविंग होगी उतना ज्यादा आपका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर होगा। तो कई बार इन्वेस्टमेंट कम होने का इकोनॉमी में, अगर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट कम आ रहा है या इन्वेस्टमेंट ग्रो नहीं कर रहा है तेजी से, इसका एक कारण एमपीसी का घटना भी हो सकता है, और जब एमपीसी बढ़ता है तो ग्रोथ ज्यादा तेज होती है, ठीक है, ज्यादा तेजी से मल्टीप्लाई होता है आपका पैसा। ये क्लियर है,
अब देखिए फटाफट अपनी कॉपी के अंदर में क्या कोई टॉपिक इसके अलावा इतने तक के पोर्शन में मिसिंग है। दीजिए दीजिए, लिखा है आपने पूरा? हाँ तो वो तो हम करवा देते हैं, ये था और न्यूमेरिकल से। चलो ये सब हमने कराई दिया, अब हमको आना है इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, मेजर्स टू करेक्ट इट, ये सारी की सारी चीजें। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, लास्ट 15 मिनट्स। इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप, इसके लिए हम लोगों को सीखना है कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, एक्सेस एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड का मतलब क्या? एक्सेस डिमांड का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा हो किससे? एग्रीगेट सप्लाई से। व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, जब एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो हम लोग उस सिचुएशन को कहते हैं एक्सेस डिमांड। तो एक्सेस डिमांड हम कह सकते हैं बेसिकली इस सिचुएशन पर है या नहीं है, इन सभी जगहों पे एक तरीके से क्या है? एक्सेस डिमांड। और इन सभी जगहों पे क्या है? डेफिशिएंट डिमांड। एक्सेस डिमांड को हम लोग कैसे करके डिफाइन करते हैं, लेकिन ये समझना, व्हाट वी से इज दैट एक्सेस डिमांड इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यानी अगर हम कहें कि ये एग्रीगेट डिमांड है फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली, हमने आपसे कहा था तीन तरीके के एग्रीगेट डिमांड, तो अगर हम कहें कि ये एग्रीगेट डिमांड है फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट वाली, तो ये हो गया हमारा फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। यहां की एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड है, तो इस सिचुएशन को हम लोग कहते हैं, ये अगर आपका ज्यादा है इस पॉइंट पे, मतलब ये वाला नहीं ले रहे थे हम लोग, हम ये वाला ले रहे हैं, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कम ऑन, स्पीक अलोंग विथ मी, व्हाट इज एक्सेस डिमांड? इट इज अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कॉरस्पॉन्डिंग टू इक्विलिब्रियम एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस वाले एग्रीगेट सप्लाई से जब आपकी एग्रीगेट डिमांड ज्यादा होगी हम उसे कहेंगे एक्सेस डिमांड, और इस वाले एग्रीगेट सप्लाई से जब आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होगी हम उसे कहेंगे डिफिशिएंट डिमांड। ठीक है, तो जब एक्सेस डिमांड होता है तो जितना ज्यादा एक्सेस होगा हम उसे कहते हैं इन्फ्लेशनरी गैप, और जितना ज्यादा डेफिसिट होता है हम उसे कहते हैं डिफ्लेशनरी गैप। अब एक्सेस डिमांड के क्या रीजंस होते हैं और डिफिशिएंट डिमांड के क्या रीजंस होते हैं, तो इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका हमने आपको बताया था, सी आई जी एक्स माइनस एम। तो अगर एग्रीगेट डिमांड है, से फॉर एग्जांपल हम लोग इसको क्या कह सकते हैं कि इसके इतने कंपोनेंट्स हैं, अगर एग्रीगेट डिमांड एक्सेस है मतलब या तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज्यादा है, या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा है, या तो एक्सपोर्ट्स ज्यादा है, या फिर इंपोर्ट्स कम है, यानी नेट एक्सपोर्ट्स ज्यादा है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के फर्दर हम लोग अगर क्लासिफाई करें तो इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, सी बार और बी वाई। तो हम कह सकते हैं कि भाई सी बार तो कॉन्स्टेंट है, अगर सी बढ़ा इसका मतलब या तो बी बढ़ गया या तो वाई बढ़ गया, तो बी का मतलब हो गया एमपीसी, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो C के बढ़ने का रीजन हो सकता है राइज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और इनकम के बढ़ने का, इनकम कैसे करके बढ़ेगी? इनकम तब बढ़ सकती है जब आपके टैक्सेस कम हो जाए, अगर टैक्स कम हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्सेस कम हो जाएंगे, तो फिर उससे डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाती है, हमारे पास में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा बचेगा। तो अगर हम कहें कि देर इज डिक्रीज इन टैक्सेस, कम ऑन, इफ देर इज
डिक्रीज इन टैक्सेस, तो हमारी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाएगी। तो अगर डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टैक्सेस, या तो फिर एमपीसी बढ़ जाए, या तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाए, या तो नेट एक्सपोर्ट्स बढ़ जाए, तो हमारा एग्रीगेट डिमांड एक्सेस हो सकता है। अच्छा, डिफिशियंट डिमांड कब हो सकती है? जब या तो एमपीसी घट जाए, या तो टैक्सेस बढ़ जाए, या तो फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो जाए, या तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर कम हो जाए, या तो नेट एक्सपोर्ट्स कम हो जाए, तो फिर हमारा क्या हो सकता है? डिफिशियंट डिमांड। एज सिंपल एज दैट। एक्सेस डिमांड और डिफिशियंट डिमांड के रीजंस आपको याद रहेंगे क्या? एक्सेस डिमांड का डेफिनेशन याद रहेगा, अ सिचुएशन व्हेन एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पोंडिंग टू इक्विलिब्रियम एट फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और ये रहे इसके रीजंस। क्लियर है यहां तक की बात? अच्छा, इसके बाद हम लोगों को सीखना था कि इसके मेजर्स, इसका रिजल्ट क्या हो सकता है। मेजर्स तो एकदम अलग ही वो टॉपिक हो गया था, इसका इंप्लीकेशन क्या हो सकता है। इसका इंप्लीकेशन ये हो सकता है कि क्या इससे आउटपुट पे कोई इंपैक्ट होगा? क्या आउटपुट बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट से ज्यादा की डिमांड कर रहे हैं, तो हमारे पास एम्प्टी रिसोर्सेज बचे ही नहीं है। अगर रिसोर्सेज बचे होते तो क्या वो यूज करके हम सप्लाई नहीं बढ़ा देते? लेकिन बचे ही नहीं है। एम्प्लॉयमेंट पे कोई इंपैक्ट होगा? नो, क्योंकि ऑलरेडी हम फुल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे ऑपरेट कर रहे हैं। प्राइसेस पे कोई इंपैक्ट होगा? यस, प्राइसेस विल राइज। जो जनरल प्राइस लेवल है, हम लोग क्या कहते हैं इसमें, जनरल प्राइस लेवल विल राइज, यानी इन्फ्लेशन आएगा इकोनॉमी के अंदर में। क्या आएगा बताओ? इन्फ्लेशन। अच्छा सर, अगर डिफिशियंट डिमांड है तो आउटपुट पे कोई इंपैक्ट होगा? यस, आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है, तो अगली बार हम कम बनाना चाहेंगे, मेरा एग्रीगेट सप्लाई कम हो जाएगा, आउटपुट कम हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट पे कोई इंपैक्ट होगा? यस, एम्प्लॉयमेंट लेवल भी डिक्रीज कर जाएगा, क्योंकि अगेन सप्लाई ज्यादा है, डिमांड है ही नहीं बाजार में, तो हम लोगों को क्यों अपने पास रखेंगे? हम उनको नौकरी से निकालेंगे, हम कहेंगे जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी सप्लाई ज्यादा है। और प्राइसेस पे कोई इंपैक्ट होगा? यस, जो हमारा प्राइस लेवल है वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज। लेकिन ये भी कोई अच्छी बात नहीं है प्राइसेस का घटना, क्योंकि प्राइस लेवल डिक्रीज होगा तो लोगों की इनकम लेवल भी तो डिक्रीज होगी ना, तो इसे हम लोग कहते हैं डिप्रेशन का फेस, तो ये भी होगा। ये क्या हो गया इसका इंप्लीकेशन। अच्छा, इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप क्या है? जितना एग्रीगेट डिमांड, सुनना, एग्रीगेट डिमांड, एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड, इट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। और ये डिफ्लेशनरी गैप, नीचे जो है उसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशनरी। तो इट इज द डेफिसिट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एज कंपेयर टू एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये पूरा चैप्टर याद करना बेहद आसान है कि नहीं आसान है? अच्छा, इसके जो मेजर्स टू करेक्ट थे वो दो तरीके के मेजर्स थे, एक था मॉनेटरी और एक था फिस्कल, क्योंकि वो खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक था डिस्कस करने का, तो हम उसको अभी रिकैप नहीं करा रहे हैं। बट उम्मीद है कि आपको ये ADAS का पूरा टॉपिक एक समझ में आ गया होगा। एक रिकैप सोचो, कितना ही तो आसान टॉपिक था कि नहीं था? बोलो एक बार इसी बात पे सब लोग, यस लिखो। कोई नहीं लिखा, ये बगावत पे उतर आए। ठीक है, इजी था, इसको पढ़ लेना, पढ़ते रहना, क्वेश्चंस लगाना। ठीक है, हाँ, ये क्लास अपलोड होगा एंड आई ट्राई टू शेयर दिस विथ यू इन अ वेरी ओपन फॉर्मेट, ताकि आप उसको जब चाहें तब आसानी से उसको रिकैप कर सके, रिवाइज कर सके। उम्मीद है आपको ये चैप्टर क्लियर हुआ होगा, आप इसको हमारी एग्जॉस्टिव लेक्चर्स के साथ साथ में इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट्स अगर आपने मेरे पूरे बनाए हैं तो आप देख सकते हैं कि कितने आसानी से फिर आप पूरा का पूरा टॉपिक रिवाइज कर पाएंगे, रिकैप कर पाएंगे। यस और नो? तो दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। वील कीप ऑन टेकिंग सच रिविजनरी सेशंस, बिकॉज ये आपको पूरा पढ़ा हुआ एक साथ रिकैप करने में हेल्प करेगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।
एंड एंड